all the notes will be provided on our app app which is learn karo app it is an android app built by our tech team हमारी tech team ने बनाई है ये हमने बनाई भी है ये app. you can download it link description box me diya hua hai

you know in this book what we are going to talk about what we are going to talk about what happened post 1991 what happened after 1991 all right so 1991 ke baad kya hua see बहुत जरूरी है ये जानना कि हमने एक 1991 ही ईयर क्यों लिया 1990 क्यों नहीं ले लिया 1992 क्यों नहीं ले लिया 1999 क्यों नहीं ले लिया ये बात जाननी जरूरी है हाँ कि ना डेफिनेटली बहुत जरूरी है तो 1991 ईयर ही क्यों बोला मैम आपने और कोई ईयर क्यों नहीं बोला अभी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। इस पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ बात हो रखी है पोस्ट 1991 की ठीक है 1991 के बाद की बात हो रखी है बट देयर इज वन चैप्टर व्हिच इज कोल्ड वॉर एरा जिसमें बात हो रखी है बिफोर 1991 1991 से पहले क्या हुआ सिर्फ एक चैप्टर यही है जो इस बारे में बात करता है बाकी सब चैप्टर्स में पोस्ट 1991 की बात हो रखी है नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई ओनली 1991 सिर्फ 1991 नाइनटी वन क्यों कह रहे हो मैम आप वाईन जर्मनी फिर ये तो छोड़ो चलो पहले ही वो, ये पॉइंट पढ़ो सोवियत यूनियन वॉज नो मोर सोवियत यूनियन वॉज नो मोर वाई बिकॉज इट डिस इंटीग्रेटेड इन टू डिफरेंट नेशन डिफरेंट कंट्रीज में ठीक है सबसे लार्जेस्ट कौन सा था रशिया लार्जेस्ट था देखो मेनी कंट्रीज created, बहुत सारे नेशंस क्रिएट हुए थे था। ये पता कितनी कंट्रीज थी 14 plus one. One तो हो गई, 14 अदर कंट्रीज आपने सुने होंगे ये ये सब नाम का, ये सब नाम पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था सो इट वॉज इन दर नाइनटीन नाइनटी वन दैट हो गया था डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन और राइट तो ये अपने आप में एक यू you नो know, बहुत सब बहुत बड़ा टॉपिक है डिस ऑफ सोवियत यूनियन तो यही मैं आपको बात बता रही हूँ कि डिस इंटीग्रेशन हो गया था तभी 1991 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर कहा जाता है जर्मनी द जर्मनी हुई थी सोवियत हैड वंस बीन सेपरेट कंट्रीज पहले 1992 1922 ये का आपकी बुक में बट आप मेरे से सुन लो 1922 से पहले ना सोवियत यूनियन अलग अलग नेशन ही थे बट आफ्टर दिस 1992 नाइनटी टू

ऑलराइट right, ये वर्ल्ड वॉर टू कैसे खत्म हुई थी 1945 में जापान के ऊपर यूएसए ने दो बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे कंसेक्यूटिवली नहीं थे वो पहले 6th अगस्त को किया था वन वाज 6th अगस्त पे हुआ था 6th अगस्त 1945 में एक बार ये डेट्स तो मुझे क्लियर हैं बट एक बार एक ये बात चेक करना कि जो ये बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे सो वर्ल्ड वॉर टू एंडेड जब यूएसए ने जापान के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किए थे टू बॉम्ब्स वन वॉस ड्रॉप ऑगस्ट ऑल दो आपकी बुक में सिर्फ ऑगस्ट लिखा हुआ है बट टू बी स्पेसिफिक एक एक को को हुआ था ड्रॉप हुआ था और राइट right, ये बॉम्ब जो ड्रॉप हुए थे फिर uh, जो दो बॉम्ब्स थे एक हिरोशिमा में हुआ था एक नागासाकी में ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा वाले का नाम था लिटिल बॉय ये आपकी बुक में बॉक्स में दिया हुआ है लिटिल बॉय और ये फैट मैन नागासाकी में जो हुआ था ठीक है ये नेम्स आपको पता होने चाहिए एक नागासाकी में हुआ था एक हिरोशिमा में ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में सिक्स अगस्त को एंड नागासाकी में नाइन्थ अगस्त को ड्रॉप किया गया था ठीक है ये बात क्लियर हुई ये बैकग्राउंड समझ आया तो ये जापान के ऊपर यूएसए ने ड्रॉप किया था बॉम्ब और इतना भारी बॉम्ब था कि नॉट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर मतलब एक बाल बाल भी नहीं बचाया था इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन था मास डिस्ट्रक्शन था जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ था राइट क्लियर हुआ ये बात चलो ठीक है लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर टू की बात कर रहे हैं। हम यहां पे वर्ल्ड वॉर वन की बात नहीं करेंगे like देखो वन वॉल एलाइड पावर्स एक तो एलाइड पावर्स थी एक थी एक्सेस पावर्स ठीक है अब एलाइड पावर्स में कौन कौन थी एलाइड पावर्स में ऐसे याद रखना फूबू ठीक है फूबू ऐसे याद रखना जी आई जे अब से फ्रांस पहले बी ले लेते हैं ब्रिटेन बताऊंगी क्यों फिर यूएसए फिर यूएसएसआर ठीक है फिर ऑन अदर हैंड यहां पे थी जर्मनी फिर थी इटली और जे से था जापान अब आप कहोगे मैम इंडिया तो आपने कहीं लिखा नहीं है देखो इंडिया एंड फोर मोर अदर कंट्रीज ठीक है पांच कंट्रीज थी जो नैन का पार्ट थी इज नॉन मूवमेंट दे वर नॉट टिल्टेड पावर्स नॉट टिल्टेड टूवर्ड एलाइड पावर्स ये कंट्रीज किसी का पार्ट नहीं थी पहले यहां देखो देखो क्या था इनिशियली ना यूएसए और यूएसएसआर पार्ट नहीं थे एलाइड पावर्स के इनिशियली दे पार्ट ऑफ इट ठीक है यूएसए यूएसएसआर नहीं थे

ये सब मैप्स दिए गए हैं आपको पता होने चाहिए मैप्स ठीक है तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है चलो ये आगे एक्सेस पावर्स की बात हो रखी है ये एक्सेस पावर्स भी दिए गए हैं दिस इज जर्मनी दिस इज इटली ये फ्रांस है ठीक है क्लियर हो रहा है ना ये बात चलो ठीक है आगे देखिए ऑल राइट लाइक आई टोल्ड यू देखो क्या हुआ नाइनटीन uh, में हमें पता है हिरोशिमा नागासाकी पे दो बॉम्ब ड्रॉप किए गए ठीक है जापान का बहुत बुरा हाल किया गया बहुत कॉन्स्पिरसीज हैं थ्योरीज है से आर ट्रू क्या पता सच है क्या पता सच नहीं है कि जापान तो ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था बहुत क्रिटिसाइज किया गया था यूएसए को कि तुमने बॉम्ब क्यों डाला और ये लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस ये तो बनाए गए थे कि यार वर्ल्ड वॉर टू ना हो फिर वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो वर्ल्ड वॉर थ्री तो चलो थैंकफुली नहीं हुआ बट वर्ल्ड वॉर टू ना हो बट वर्ल्ड वॉर टू फिर भी हुई थी जब यूएसए uh, ने बॉम्ब थ्रो किया था बॉम्ब थ्रो किए थे और राएग? पान के ऊपर सो आई वॉन्ट टू टेल यू हिरोशिमा नागा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनके बीच में थ्री डेज का गैप था सिक्स ऑगस्ट नाइन्थ ऑगस्ट ठीक है ये बात हम क्लियर कर चुके हैं फिर दो पावर्स एमर्ज हो गई थी विच वाइट right, ये दोनों पावर्स एमर्ज कर गई थी वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू आप कहोगे कि मैम यूएसए एंड यूएसएसआर ही क्यों एमर्ज करी जब एलाइड जब देखो एक बात सुनो ये हमने पढ़ा ना देखो जापान के ऊपर तो नॉट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर कुड बी सीन जापान तो पूरा मास डिस्ट्रक्शन हो गया था ठीक है इटली का भी बुरा हाल हो गया था जर्मनी का भी बुरा हाल हो गया था ये लोग ये जो एक्सेस पावर्स थी ना ये कुछ नहीं बची थी जो बची थी ना एलाइड पावर्स बची थी ठीक है अब एलाइड पावर्स में आप कहोगे मैम आप तो कह रहे हो टू सुपर पावर्स एमर्ज है, हुई हैं यूएसए एंड यूएसएसआर आपने फ्रांस और ब्रिटेन क्यों नहीं कहा देखो पता है क्या है फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया फ्रांस और ब्रिटेन यहां देखो फ्रांस ये रहा ब्रिटेन ये रहा ये यूरोप में है ठीक है जर्मनी ने इनका बहुत बुरा हाल कर दिया था जर्मनी ने इनकी इनका बहुत ही बुरा हाल कर दिया जर्मनी टूक ऑल मैन मिलिट्री मनी एवरीथिंग मैन इन द फॉर्म ऑफ डेथ ठीक है मिलिट्री पार ले ली इनकी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये कैसे बनते भाई ये नहीं बन सके सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर सुपर पावर्स बने थे आई वॉन्ट टू टेल यू जर्मनी ने सारी रिसोर्सेज बहुत सारी चीजें ले ली थी और यूएसए US यूएसएसआर के पास ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ थिंग्स थी ह्यूमंगस अमाउंट इतना सामान था इतनी रिसोर्सेज थी इतने मेन मिलिट्री मनी बहुत सारा था दैट दे हैड टू एमर्ज एज दी सुपर पावर्स ऑलराइट और जर्मनी को तो इन, या जर्मनी ने तो इवॉल्व नहीं किया क्योंकि उसके पास बहुत वीक सप्लाई लाइंस थी इट हैड अ लॉट ऑफ वीकनेस थी बहुत लड़ने लग जाता था जर्मनी की बहुत सारी वीकनेस थी कि जर्मनी सुपर पावर हो ही नहीं सकता था इट हैड हैडो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी इकोनॉमी में इट हैड ऑफ प्रॉब्लम सो फाइनली यूएसए एंड यूएसएसआर गॉड बन गए थे और राइट इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहने लग गए थे अब एंड US यूएसएसआर के बीच में स्पेस फाइट भी होने लग गई थी देखो यहाँ पे स्पेस रेस बोलते थे यूएसएसआर कुछ नहीं तो ये लोग पता क्या करते थे यूएस यूएस देखो US ने तो अपना फर्स्ट मैन भेजा था स्पेस पे यूएसएसआर एनिमल्स को भेजता so, एक डॉग भेज दिया स्पेस पे सो so, you know, इनके बीच में फाइट रहती थी अब आप कहोगे मैम इनके बीच में प्रॉब्लम मतलब, क्या थी So there were some countries that favored USA. There were some countries that favored USSR. Like I told you, there were some countries that favored none. na na na. वो allied powers को ना Axis powers को ना वो USA को favor करती थी ना ही वो USSR को favor करती थी and India was one of them. It does not mean कि India was neutral. India क्या चाहता था? India India चाहता था peace हो, शांति रहे. कई लड़ाई ना हो strength हो strength इन unity में बिलीव करता था ठीक है strength हो peace हो शांति हो हर चीज यू नो सेटल्ड रहे इट वॉज नॉट न्यूट्रल टू बोथ बट इट वॉन्टेड टू सपोर्ट बोथ द कंट्रीज बट आगे जाकर आप एक बात जरूर पढ़ोगे आगे आप पढ़ोगे कि ना इंडिया फेवर यूएसएसआर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया यूएसएसआर के साथ जी बहुत अच्छी बात है जब पता था ना ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने वाली और यूएस बैक कर रहा है पाकिस्तान को तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया है यूएसएसआर के साथ तो इंडिया ने ये सब चीजें तो करी हैं, बट वैसे इंडिया कहता था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कंट्री आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ

तो जो कंट्रीज किसी को भी फेवर नहीं करती थी ना उन्हें नैम कंट्रीज बोलते थे नॉन अलाइन मोवमेंट ठीक है इसका फर्स्ट समिट हुआ था बेलग्रेड में हुआ था बेलग्रेड 1961 सो लाइक आई टोल्ड यू नॉन अलाइन मोवमेंट बेलग्रेड 1961 ये बात याद रखनी है आपको सबको याद रखनी पड़ेगी ये बात और राइट क्लियर हुआ अब नाम की कंट्रीज कौन कौन सी थी एक तो इंडिया इजिप्ट इजिप्ट अफ्रीका, गाना गाना भी अफ्रीका में है फिर है इंडोनेशिया इंडोनेशिया इज इन एशिया फिर यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया अब डिसइंटीग्रेट हो गया है बट आपकी बुक में अभी भी दिया हुआ है मैप में आप चेक कर सकते हो ठीक है तो ये बात क्लियर हुई ये सब मेंबर्स हैं नाम के टॉपिक हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में आने वाले यू you नो know, वीडियोस में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले NAM के बारे में बट दीज द कंट्रीज जो NAM की पार्ट थी एंड दे डिड नॉट फेवर आइदर यूएसए नॉर ए वो किसी को फेवर नहीं करती थी लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाइन बेलग्रेड फर्स्ट समिट हुआ था ट्वेंटीन में अजहरबाई जान की कैपिटल है बाकू बाकू में हुआ था समिट नैम का नॉन अलाइन मूवमेंट का 2020 में भी हुआ है बट ये एक ऑनलाइन समिट था ठीक है वर्चुअल समिट हुआ है मिले नहीं थे ये लोग ऐसे यू नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऐसे कभी हुआ है कि वर्चुअल समिट हुआ है यू शुड नो दिस ठीक है 2021 के बोर्ड के लिए यू कैन राइट दिस इन केस नैम राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई डिड यूएसए एंड यूएसएस नॉट वर्क एज वन ऐसे क्यों हो गए अलग अलग क्यों हो गए थे ये लोग अब ये कुछ कंट्रीज यूएसए को फेवर करने लगी थी कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को फेवर करने लगी थी ऐसा क्यों हुआ ऐसे क्यों हुआ कि यूएसए एंड यूएसएसआर एक जुट के काम नहीं कर रहे थे और लड़ना चाहते थे दे वॉन्टेड टू हैव द वर्ल्ड वॉर थ्री वाई वॉज इट सच केस आई वॉन्ट टू नो दिस देखो यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज में बहुत फर्क था यूएसए यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट नेशन था ठीक है वेयर एज यूएसए वॉज कैपिटलिस्ट नेशन या लिबरल नेशन अब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या फर्क है कम्युनिस्ट मतलब एवरीथिंग एंड एनीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एवरीथिंग यू अर्न कुछ भी आप कमाओ पहले बात तो प्राइवेट अर्निंग्स नहीं हो सकती प्राइवेट लैंड नहीं हो सकती सब कुछ गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट सब कुछ इक्वल बांटेगी सब इंसान में ठीक है सब कोई ऐसा रहेगा एंड यूएसएसआर यूएसए बिलीव्ड इन अ कैपिटलिस्ट लिबरल इकोनॉमी ठीक है वो क्या चाहता था जिसको आप अपनी प्राइवेट लैंड कर सकते हो कितनी भी आप अर्निंग्स करो जो गैप है रिच रिच और पुअर के बीच में वाइडन हो सकता है ज्यादा कमा रहे हो ज्यादा रिच हो नहीं कमा पा रहे हो पुअर हो सिमिलरली यूएसएसआर में ऐसा नहीं था एवरीबडी वॉज ऑन द सेम वेवल्थ और राइट सो इनकी जो आइडियोलॉजी में था वो बहुत ज्यादा फर्क था अब आप लोग कहोगे ऐसे था कि यूएसए के पास ज्यादा पैसा था यूएसआर के पास कम पैसा था नहीं मैन मनी यू टॉक अबाउट मिलिट्री पार सब दोनों एड पार ही थी कुछ ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास यू you नो know, किसी के पास ज्यादा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यह सब चीजें दोनों के पास इक्वल थी ऐसा कुछ नहीं था बट डिफरेंस वॉज इन देर आइडियोलॉजी वन कंट्री वॉज फॉलोइंग कैपिटलिस्ट मॉडल द अदर वॉज फॉलोइंग कम्युनिस्ट मॉडल जो इनकी आइडियोलॉजी में फर्क है तो काफी फर्क हो गया कोल्ड वॉर के बारे में हम आगे बात करेंगे इन माई अपकमिंग वीडियो वे गोट टॉक अबाउट कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर में क्या हुआ था

ये एक करता है बुक का क्योंकि हम पोस्ट 1991 के बारे में बात करने वाले हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा सिर्फ एक बिगनिंग है कंटेम्प्री एरा का जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर मतलब 1991 एक खत्म हो रहा है एंड हो रहा है कंटेम्प्ररी एरा कंटेम्प्रेरी मतलब करंट सिनेरियो जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का च इज दब्जेक्ट मैटर विच मीन यू आर टॉक अबाउट करल द चैप्टर शोज हाउ द डोमेंस ऑफ टू सुपर पावर्स लाइक यू हमें पता है कौन कौन से टू सुपर पावर्स एज यू एस एस आर हाउर टू द कोल्ड वॉर मतलब जिनके बीच इनके बीच ही सारी चीजें रिवॉल्व कर रही थी सारी लड़ाई हो रही थी आने वाली वीडियो में वी आर गोन टॉक अबाउट कोल्ड वॉर क्या होता है लॉजिक ऑफ डेट्रंस पढ़ेंगे एनआईओ -E आपके सिलेबस में नहीं है बट यू शुड नो दिस वी वी आर वीर टॉक अबाउट एन आई ईओ एज वेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफी है ऑल दो आपके सिलेबस में ही, नहीं है यू मस्ट यू कैन स्किप दिस इट इज अपॉन योर डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है बट आपको एनआईओ -E पता होना चाहिए और राइट तो हम कोल्ड वॉर लॉजिक ऑफ डेटरेंस लॉजिक ऑफ डेटर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नैम के बारे में डिटेल में बात करेंगे ओके आई जस्ट स्टॉट द बैकग्राउंड ऑफ चैप्टर वन the chapter 1 which is cold war era book 1 i'll be starting with another three topics today we'll discuss cuban missile uh, crisis one is cold war and the other is logic of deterrence they are important for your exams you must see them okay starting with cuban missile crisis guys i hope that you have seen my previous video where i talked about the background of World War I as well as World War II. I told you that World War II ended with Hiroshima Nagasaki bomb that was dropped by USA. Okay, tell me the month dropped by USA. The month was August, 6th August 1945 and after three days in nagasaki, the other uh, bomb was dropped on 9th of august. okay, it's not so necessary for you to just learn the dates, but you should know the year and the month, which was august of 1945. in 1945, world war ii ended. right? after 1945, people feared that to, there is going to be another world war iii. right?

So they fear that there is going to be another war, and this Cuban Missile Crisis is a hotspot of one of those Cold War. I'll tell you why it was called Cold War. Although I discussed a bit of it in my previous video, if you go, if you want to go and check it, okay. So I'm gonna, I'm going to talk about uh, uh, Cuban Missile Crisis, guys. You gotta pay attention, and I'll just tell you the gist of it. So it becomes clear for you and the concepts get very, very clear, right? Okay. Moving on, I am going to tell you what happened. See, this is USA. Guys, please pardon my bad drawing. This is Cuba. This is USA. This is Cuba. एंड यहाँ से बहुत दूर जाकर यहाँ पर था रशिया माइल रशिया लेट्स नॉट कॉल दिस रशिया गाइज दिस वॉज यू एस एस आर इट इज रशिया नाउ लेट्स कॉल दिस यू एस एस आर सो आई टेल यू वॉट हैपन बेसिकली इन यू एस ए सी यू एस ऑल नो दैट यू एस ए वॉज ए लिबरल कंट्री लिबरल Also, capitalistic, liberal, capitalistic, free economy. There was no restriction on earning. Although the uh, gap between the poor and the richer was wide, but USA allowed all its people to earn as much as they can, and there was no compulsion that everything belonged to the state. They could do. Anything that they wanted to do in order to earn private earnings, right? Whereas uh, USSR was communist. I have discussed this in my previous video and you have read this also in class 11th in detail about it. I am still telling you the difference between the two. Communist means a communist country was, was one that you earn as much as you want, but all the savings and the earnings of the people would be redistributed equally so there was no gap between the poor and the rich that was the you know strategy usa was headed by john the president was john kennedy john f kennedy you should know the name cuba was headed by fidel castro these are all given in your ncrts if by any chance they give you one word and uh, communist this ussr was led by nikita khrushchev he was the head of ussr then guys do check the right spelling in any case if i go wrong and okay moving on so uh, cuba was again communist so we are talking about Cuban missile crisis, what actually happened? Okay, so we are talking about Cuban missile crisis. Let me tell you, see, USSR wide away, far away, was in a fear that Cuba is going to be, you know, spoiled, destructed by USA. Because USA was a liberal and capitalist country. It feared that since Cuba was very, very near to USA. That Cuba would be destroyed, destructed by USA. It was just a fear in USSR's mind. There was no hint that was given by USA to Cuba or USSR. Nothing. But what happened was this uh, USSR had in mind that US is going to.

इंटरसेप्ट मीन समथिंग दैट स्टॉप यू फ्राम गोइंग बिकॉज टू यूर सरप्राइज पता ही अभी भी मिसाइल्स वहाँ पर डिप्लॉय हो रही थी अभी भी मिसाइल्स यहाँ पे कैरी ऑन हो रही थी बट यूएसए ने बिल्कुल ऑर्डर कर दिया कि कोई भी चीज यहाँ से यहाँ आ नहीं जानी चाहिए बिकॉज यू एस ए तो नियर बाय था तो ये यूएसए को अटैक कर सकते थे राइट मूविंग मॉन आई टेल यू गाइज डू यू नो वट वॉज द एंड टू दिस इसका सोल्यूशन क्या निकला इन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया कि लड़ाई करने का फ़ायदा क्या है मतलब कि लड़ाई करने से क्या होगा ये तो वीक नहीं है ये भी वीक नहीं है ये इसके लोगों को मारेगा ये आगे से और लोगों को मार देगा इसके यहाँ के लोग भी मर जाएंगे यहाँ के भी लोग भी मर जाएंगे विनर तो कोई भी नहीं होएगा ना तो उसका फ़ायदा क्या है तो इन्होंने पता है क्या सोचा कि यार लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस टू एन एंड लेट्स नॉट फाइट एनी मोर और ना सेटल एक पीस वो ले आते हैं कि नहीं यार लड़ना नहीं है अब ठीक है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दे बोथ फियर्ड ईच अदर कि वहाँ के लोग मरेंगे तो यहाँ के लोग भी मर जाएंगे दिस वाज कॉल लॉजिक ऑफ डेटरेंस डेटरेंस मींस दैट समथिंग समथिंग स्टॉप यू समथिंग डिस्करेज यू टू परफॉर्म सम एक्शन राइट दिस वॉज कॉल लॉजिक ऑफ डेटरेंस दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट डेटरेंस मीन्स अ फ्योर Something, an activity, something that discourages you from performing something, performing an act. Okay, moving on, I would say, I would tell you, guys, it's time I show you the real map also. See, this is the real map. If you see, Russia is here, US is here. See somewhere? Can you see Cuba? See Cuba? Cuba is here. Can you see? Cuba was here, and Russia was far away. It was this far. This is the world map that we are talking about, right? Let's talk about US and USSR. In what context? I'll tell you. 1945, right? Uh, USA dropped two bombs in Japan. उससे पहले जापान ने भी पर्ल हार्बर पोर्ट में अटैक किया था यूएसए के तभी यूएसए फाइट में आया था आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन और यूएसए ने क्या किया यूएसए ड्रॉप टू बॉम्ब्स इन 1945 फोर्टी ऑगस्ट सिक्स तीन दिन बाद ऑगस्ट नाइन्थ ये थ्योरीज ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूड हो गई हैं इन एन सी आर टी फू सी और वहाँ पर बोला गया है कि ना ये यू एस एस आर को बहुत डराना चाहता था ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ अगर मतलब मैं जापान जब तक सरेंडर नहीं कर रहा है मैं जापान के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा हूँ एक और बॉम्ब फेंक दिया तो कहते वो दिखाना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी सुपरमि दिखाना चाहता था यू एस ए यूएसएसआर को बट आई गेस दिस वॉज इन वेन इससे कुछ हुआ नहीं बस ये हुआ कि वहाँ के जो तो दो आई टेल यू एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ सी हिरोशिमा में सिक्स ऑफ अगस्त को बॉम्ब गिरा ठीक है बहुत लोग मर गए बहुत जाने गई दो लाख लोग बच गए यूएसए ने बोला मैं अपने एक से डेढ़ लाख लोग वहां लड़ने के लिए भेजूंगा जापान में जिस जापान ने सरेंडर नहीं किया था हिरोशिमा के बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद तो क्या हुआ अगर मैं अपने वा, वान 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 फाइव लाख लोग भेजूंगा लड़ाई के लिए जिससे कि दो लाख लोग उनके मारूं तो मैं क्यों भेजू इससे बड़ा तो मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ से सब लोग मर जाए वहाँ पे यही हुआ उसने अपना बॉम्ब एक और ड्रॉप किया नागासाकी में नाइन्थ ऑफ अगस्त को और वहाँ पे सब खत्म हो गया था दिस कैन यू नेम वन दिस मार्क द एंड ऑफ नाइनटीन फोर्टी फाइव वर्ल्ड वॉर टू बट कैन यू नेम टू कोडेड बॉम्ब दर आई टोल्ड यू इन माई सेशन लिटिल बॉय हिरोशिमा नागासाकी ट मैन दीज व बॉम्ब्स दैट वाइट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गिवन इन यूर एनसीआर मूविंग ऑन एल टेल यू देखो मैंने कल बताया था कि नाम की फाइव कंट्रीज थी जो यूएसए को नहीं फेवर करती थी यूएसएसर को भी फेवर नहीं करती थी मैं आज नाम के बारे में तो बात नहीं करने वाली हूँ नाम की बात मैं अगले सेशन में करूंगी बट नाम की कंट्रीज पहले तो मुझे नाम कंट्रीज बताओ इंडिया घाना इजिप्ट इंडोनेशिया एंड द लास्ट यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया तो अब डिसइंटिग्रेट हो गई है बट तो पहले वो एक कंट्री थी ठीक है ये तीनों ये पांच कंट्रीज ना किसी को भी फेवर नहीं करती थी बट तो यूएसए और यूएसए के पता है बहुत सारे फ्रेंड्स थे मैम इनके जो तो फ्रेंड्स थे ना ये ना बहुत सपोर्ट करते थे एक तो यू का फ्रेंड था एक तो इसका फ्रेंड था फ्रांस वन वज ब्रिटेन इफ यू गैस रिमेंबर आई टोल्ड यू एलाइड पावर्स में ये चारों थे बट यू एस एंड यू तो सुपर पावर्स बन गई थी इनकी तो अपना इनकी तो अपना अलग ही कुछ होने लग गया था कि मैं सुप्रीम हूँ मैं सुप्रीम हूँ तो फ्रांस और ब्रिटेन व फ्रेंड्स ऑफ यू एस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री पाकिस्तान वॉज अ फ्रेंड ऑफ यू एस अच्छा एक बात बताओ कि इनको इनका फ्रेंड बन के मिलता क्या था पता है क्या मिलता था प्रोटेक्शन जब इतनी बड़ी कंट्री तुम्हारी तुम्हारा फ्रेंड है तो इन, इतनी बड़ी कंट्री तुम्हें प्रोटेक्ट तो करेगी ना फॉर इंस्टेंस आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर दे तो इसको कौन हेल्प करने आने वाला है इसको यूएस से हेल्प करेगा बिकॉज यूएसए पाकिस्तान का फ्रेंड है ओके सो वन वॉज प्रोटेक्शन मिलिट्री इक्विपमेंट्स These points are all given in your NCRT guys But it's very important you understand these You make a link to what happened before Then how did USA react So it's very important you understand these It becomes easier for you to just frame the answer also You don't have to mug up everything One was military equipment They had a lots and lots of military equipments They could buy from them Right The other was राइज दे ऑल्सो गोट इकोनॉमिक हेल्प बाई इकोनॉमिक हेल्प दे मीन अगर किसी कंट्री को फॉर इंस्टेंस ब्रिटेन के पास आज खाना नहीं है क्या फूड नहीं फूड अवेलेबल नहीं है खाना फूड एक ही होता है फूड अवेलेबल नहीं है क्लोथ्स अवेलेबल नहीं है वो किसी भी क्राइसिस में है उसको पैसे की ज़रूरत है उसके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है वो डेफिसिट में चल रहा है तो यूएसए कैन हेल्प नो दैट वज दैट वॉज द रीजन कि लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे ठीक है नेक्स्ट टाइम वो टू आस्क यू दैट यू एस ए देखो ये कंट्रीज का हेल्प करने के लिए तैयार था प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार था उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने के लिए तैयार था उनको पैसे से भी हेल्प करने के लिए तैयार था सुपर पार था ना अच्छा आप ये बताओ कि ऐसा यू एस ए को क्या मिलता था इससे देखो ये इनको तो बहुत बेनिफिट्स थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होए कोई कंट्री इनके ऊपर फाइट करने जाए एक से तो यू एस एज़ देर टू हेल्प दैम बट यू एस ए को क्या मिलता था कभी सोचा है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज़ ये नॉट सो पावरफुल कंट्रीज़ मतलब थोड़ी वीक भी नहीं बट बहुत पावरफुल तो नहीं थी ना तो इन कंट्रीज़ को क्या मिल क्या रहा है ज ए क्वेश्चन मार्क यूएसए को क्या मिल रहा है इन कंट्रीज को तो बहुत कुछ मिल रहा yeah, है अगर देखा जाए तो फ्रेंड है मिल क्या रहा है यूएसएसआर को यूएसए को क्या मिल रहा है इनकी हेल्प करके छोटी छोटी कंट्रीज की हेल्प करके मैं बताती हूँ वट इज़ यूएसए और यूएसएसआर पहली बार अगर कहीं लड़ाई कर रहे हैं ना तो वो उस कंट्री में जाके अपना मिलिट्री बेस नहीं सेट करते थे वो ना किसी और कंट्री में जाके ही अपना मिलिट्री बेस सेट कर देते थे और वहाँ से वार करते थे ठीक है समझ रहे हो तो एक तो लोकेशन मिलती थी उन्हें भाई एक बात सुनो ना जब ये इसको हेल्प करने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान ये नहीं कहेगा ठीक है तुम तो अगर मेरी लोकेशन कुछ दिन के लिए चाहिए तुम्हें तो अपना मिलिट्री बेस सेटअप करना है कुछ दिन के लिए तो तुम मेरी ज़मीन ले सकते हो एज सिंपल वर्षा हो रहा था तो लोकेशन मिल जाती थी सेकेंड वाइटल वाइटल रिसोर्सेस अच्छा वाइटल रिसोर्सेस कौन से हुए ऑयल एनर्जी मिलती थी यार ऑयल से स्टील आयरन एक बात पता है जो ये ऑयल अच्छा स्टी, स्टील और आयरन का क्या करना है आयरन से क्या होगा रेलवे लाइंस डालेंगे और क्यों होगा फिर थर्ड से एक और चीज़ थी वो स्पाई इफ दे वो स्पाई एनी कंट्री या किसी चीज़ को वो स्पाई करना चाहते हैं उस कंट्री में रह के लेकिन टू दैट इजीली वो कंट्री को विजिट करके वो कर सकते हैं ठीक है, है? स्पाई कर सकते थे एक बात ये है और एक इकोनमिक गेंस एक बात सुनो ना अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर सेल कर भी रहा है यूएसए किसी कंट्री को पैसे तो उसे वापस में मिलेंगे ना तो इकोनॉमिक गेंस भी उसके एक बहुत बड़ा एडवांटेज था बोथ फॉर यूएसए सर एंड यूएसए तर एम टॉकिंग अबाउट इट हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स या बल्गेरिया का फ्रेंड था बहुत फ्रेंड्स थे इसके भी लेट मी नेम सम अदर कंट्रीज ऑल्सो फॉर यू नॉर्वे का फ्रेंड था यूएसए का वेस्ट जर्मनी इसका फ्रेंड था जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था 1990 में ठीक है ईस्ट जर्मनी बल्गेरिया मूविंग ऑन टू इसका एक फ्रेंड था चेको स्लोवाकिया चेको स्लोवाकिया अब तो स्लोवाकिया एक अदर कंट्री हो चुकी है और एक चेको अदर कंट्री है अब तो ये डिसइंटीग्रेट हो गए हैं दो हो गए हैं ठीक है वन वंगरी uh, हंगरी कैपिटल क्या है बुद द एंड द लास्ट पी रोमानिया ये इनकी इनके फ्रेंड्स थे दोनों सपोर्ट था इन लोगों को गाइस वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से सी कैन यू सी दिस मैप इट्स ऑन पेज नंबर फाइव दिस मैप दीज रेड कंट्रीज यू सी यू एस एस आर वॉरसो पैट वेलकम टू दैट चेकोस्लोवाकिया रोमानिया हंगरी हंगरी की कैपिटल बुडापेजर बल्गेरिया टॉक्ड अबाउट ईस्ट जर्मनी देखो इसका फ्रेंड था बताया था ना याद आ रहा है बोल तो नहीं गए हो पिछली स्लाइड में जाके देख लो वीडियो बैक करके ठीक है ब्रिटेन इसका फ्रेंड था देखो आयरलैंड सारी देखो जो ये कंट्रीज है ना ब्लैक वाली ये यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी और जो येलो कंट्रीज थी ना ये यूएसए को सपोर्ट करती थी ओके okay. फ्रांस बताया था ना फ्रांस इसका फ्रेंड था वेस्ट जर्मनी फ्रेंड था देखो देख पा रहे हो ना ये एक बार अपना बुक पेज नंबर फाइव पे चेक करो मैंने ये सब क्लियर कर दिया देखो नॉर्वे फ्रेंड था नॉर्वे कैपिटल इज ऑस्लो इज यर तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल अबाउट दिस ओनली अच्छा

guys i forgot a very very important thing cuban missile sorry my bad you need to remember this cuban missile crisis i'm writing in short missile crisis that we talked about is your april 1961 don't forget this this was just one of the hot spot of world war cold world war cold world war मैंने बताया ना आपको 1947 48 से लेकर कब तक चला था 91 कोल्ड वॉर कोल्ड इसलिए थी क्योंकि वॉर हुआ ही नहीं था लॉजिक ऑफ डिटरेंस मैंने क्या बताया था चलो ठीक है ये देखो ना तुम लोग तुम्हें समझ आ जाएगा 1961 अप्रैल हो ठीक है आ गया ये राइट द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत पता है अच्छा ठीक है अप्रैल 1961 मैंने बताया अभी ठीक है लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन यू एसाइब वरिड दैट यू एस वुड इनवेड सिर्फ वरिड थे कोई एविडेंस था ही नहीं कम्युनिस्ट रूल क्यूबा ऑन ओवर थ्रू फिडल कैस्ट्रो ऑपन पढ़े थे द प्रेजिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ़ द कोस्ट ऑफ़ यू एस यू एस यहाँ था नीचे ही क्यूबा था ठीक है मैप दिखाया था रियल मैप भी दिखाया था और मेरी बैड ड्राइंग में भी दिखाया था और क्यूबा बज एन अ

me to share this PDF. I share with you. What happened was, बताया था ना अभी कि uh, nuclear missiles Cuba में करे थे and a lot of things like this happened. इसके बाद क्या हुआ? थ्री वीक्स थ्री वीक्स आई टोल्ड यू ट्वेंटी वन डेज के बाद सोवियत यूनियन हैड प्लेसड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा और अमेरिकन्स को पता लगा ट्वेंटी वन डेज के बाद जॉन एफ कैडी के बारे में हम कैनेडी के बारे में हम पढ़ चुके हैं एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वार न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी ना वर्ल्ड वॉर थ्री बोलते थे उसको तभी बात हो रही थी कि कोल्ड वॉर एरा इसलिए बना क्योंकि वॉर हुई नहीं बिटवीन द टू कंट्रीज बट दे व डिटर्मिन टू गेट क्रूशेव क्रूशेव निकिता क्रूशेव इज बताओ यूएसए का है नहीं क्यूबा का भी नहीं है ये रशिया का हेड था उस टाइम पे टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा उसको एकदम ऑर्डर कह रहा कि हटाओ नहीं तो लड़ाई हो जाएगी वॉर करा ही करा जाएगा कैनेडा ऑर्डर अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मीन्स द लाइन ऑफ ड्रू इंटरसेप्ट मीन्स रोक दो इंटरसेप्ट मीन्स हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट प्रिवेंट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट मतलब रोकना किसी चीज को Heading to Cuba is a way of warming the USSR. The clash seemed imminent. Imminent means about to happen. अबाउट टू हैपन और इससे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को बोला गया था ठीक है फिर क्या हुआ अल्टीमेटली जो रशिया था रशिया ने मतलब यू एस एस आर था रशिया तो अब हुआ है और उसने वापस लेना शुरू कर दिया था अपनी मिसाइल्स जस्ट टू अनेबल पीस एंड स्टेबिलिटी और इंडिया क्या बिलीव करती थी इंडिया तो एक ही चीज़ में बिलीव करती थी कि स्ट्रेंथ एंड यूनिटी स्ट्रेंथ एंड यूनिटी The Cuban Missile Crisis was the high point of what came to be known as Cold War. Like I told you, it was the hot spot. The Cold War referred to the competition, the tension, the series of confrontations. Confrontation hone लग रही थी इनके बीच में क्योंकि ऐसा क्यों किया है? Backed by their respective allies, allies. Allies के बारे में हम लोग ने बात किया है ना अभी? मैंने बताया था ना कि कौन किसका ally है? अच्छा बल्गेरिया किसका ally है? बल्गेरिया यूससआर का है। नॉर्वे किसका है? यूएसटे वेस्ट जर्मनी किसका है यू एस ए का है यू शुड नो दीज इफ़ यू लुक है द मैप क्लोजली तो पता लग जाएगा कि इधर वाली कंट्रीज जो येलो पार्ट है वो सारा यूएसए का है रेड पार्ट सारा रशिया का यू एस एस आर का है ठीक है फॉर्चुनेटली हाउ है इट नेवर एस्केलेटेड इन टू अट वॉर हॉट वॉर का भी हुआ ही नहीं फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू अच्छा सिंस वॉर हुई नहीं इट नेवर हैपन वॉट हैपन वॉज देवर ऑल दीज एलाइज ऑफ द सुपर पावर्स विच इज यू एस एंड यू एस एस आर की ग्लोबल वॉर एक और हो सकती है सबने सोचा था यार कि वर्ल्ड वॉर थ्री तो होएगी ही होएगी मूविंग ऑन आई बुट टेल यू वाज कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज आई टोल्ड यू मिलिट्री मनी इन सब से नहीं था टेक्नोलॉजी ठीक है दोनों एडवांस थे इनके डिफरेंस कहाँ था डिफरेंस था इनकी सोच में इनके आइडियोलॉजीज में आई टोल्ड यू आइडियोलॉजी इनकी बहुत बार बात कर चुकी हूँ पहले भी तुम लोग को पता है इकॉम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट पहले भी बात कर चुकी हूँ क्लास इलेवन में तुम लोग पढ़ चुके हो आडियोलॉजी के बारे में ठीक है सो दीज आर कम्पलीट बायल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक लाइक वी एफ टॉक्ड अबाउट इनकी पोलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ में बहुत फर्क था ठीक है अब क्या हुआ वेस्टर्न अलायंस आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल अपने अपकमिंग चैप्टर ठीक है अब दो वेस्टर्न अलायंस था आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल थोड़े दिन बाद थोड़े नेक्स्ट uh, वीडियो में ऑफ़ कोर्स और इनकी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म वी आर रीडिंग दिस द फोर्थ टाइम अब तो तुम लोग को याद हो जाना चाहिए यार तुम लोग अब तो पता यू कैन गाइस ऑल्सो फ्रेम दिस आंसर्स अब यू नो इज नो नीड ऑफ यू यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स ना अब तो ये कर सकते हो कि यार आराम से यू कैन राइट दीज अब तो तुम्हें याद हो चुका है एंड सोवियत यूनियन विच वॉज कमिटेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म कम्युनिज्म बात कर चुके हैं हम लोग इस बारे में इसके बारे में और टाइम खराब करने वाली बात है द एंड ऑफ अच्छा ठीक है एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ सियाटो पता है क्या होता है बताऊंगी वैसे वैसे बट बता, अभी बताना चाहती हूँ बता सकती हूँ ना अभी बताना चाहती हूँ तो ठीक है मैं तो बताऊंगी सुन लो साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशियन टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ सियाटो ठीक है डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ अब एलाइड फोर्सेज क्यों थी अच्छा एलाइड फोर्सेज कौन कौन थी कल कल नहीं मतलब उस सेशन में अपन बात किए थे फर्स्ट वाले सेशन में कि ए Allied... कौन थी बुफू uh, फूबू अच्छा ठीक है फ्रांस यूएसए ब्रिटेन यूएसएस ठीक है और वो कौन थी जी आई जे एक्सेस पावर्स जर्मनी इटली जापान राइट ठीक है आर वी गाइज ऑन द सेम वेव लेंथ आई एम आई फास्ट गाइज टेल मी अच्छा ओके तो ठीक है 1939, 1945 इस बारे में बात कर चुके हैं ना ठीक है वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स सब मेजर पावर्स को इन्वॉल्व करा था ठीक है साउथ ईस्ट एशिया में कौन थी चाइना बर्मा अब म्यांमार हो चुका है वो एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में कौन है सेवन सिस्टर्स असम नागालैंड त्रिपुरा देर आर मोस्टली एट सिक्किम भी है तो ठीक है एट कंट्रीज हैं ये चलो ठीक है पता होना चाहिए कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में एट कंट्रीज है एक बार चेक करना है आई दर इट्स सेवन और एट जस्ट गाइड गो एंड चेक वंस आई एम लिटिल कन्फ्यूज अबाउट दिस ठीक है मूविंग ऑन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर ये बताया था ना ठीक है सेकंड कोल्ड वॉर अच्छा कोल्ड वॉर की ईयर्स बताओ मुझे नाइनटीन फोर्टी सेवन टू फोर्टी एट टू नाइनटीन नाइनटी वन नाइनटीन नाइन वन के बाद क्या होगा डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पोस्ट लिबरलाइजेशन बोलते हैं उसे के बाद सोवियत यूनियन फोर्टीन प्लस वन कंट्रीज में वन कंट्री कौन सी हुई रशिया हुई ठीक है चलो लेट्स बी रेली फास्ट द वर्ल्ड वॉर एंडेड वैन द यू एस ड्रॉप ट्रो टॉमिक बॉम्बिक बॉम्ब्स की बात हम बहुत बार कर चुके हैं राहज अब बहुत ज्यादा हो रहा है अब तुम लोग को याद हो जाना चाहिए क्रिटिक्स ऑफ द यू एस डिसीजीजन देखो बताया था मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसम था कि जापान ना जापान के ऊपर ये फेंकना नहीं चाहिए था जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था एक दो दिन में बट उसने बॉम्ब फेंक दिया ठीक है अब उसने कहा कि मैं अपने इतने मैंने बताया तुम लोग को अभी कि इतने लोगों को क्यों मारूँ अपने उसने एक और बॉम्ब के दिया पता है क्यों क्योंकि वो यूएसआर को डराना चाहता था कि इट वॉन्ट टू फ्योर कि एक उसके मन में डर बैठाना चाहता था कि मैं ऐसे लोग तेरे मार सकता हूँ बट इट डेंट नो कि यूएसए को भी यूएसएसो सो पावरफुल दिस यूएस एक्शन वॉज इंटेंडेड टू टॉप द स्टॉप दोवियट यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पोलिटिकल गेम्स उसे डराना चाहता था बट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कुछ ऐसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि पता हो इस बारे में Again the same US supporters have argued that dropping off was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American allied lives. Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of two new powers. This is the same. कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान दिवास्टेशन ऑफ यूरोप एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एबिलिटी टू इंफ्लुएंस एनी दिस इज नथिंग जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको इलाबरेटेड लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ एमरजेंस ऑफ यू एस एंड यूएसएस आर एज टू सुप्रीम पावर्स दे ऑल्सो रूडन अंडरस्टैंडिंग दैट डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द यूज ऑफ एटम बॉम्ब्स इट्स टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री टू बेर अब इनके बीच में वॉर हुई क्यों नहीं क्योंकि आपस में लोग समझ गए थे मैंने बताया कि इट्स टू कॉस्टली वहाँ पे जापान में एक इंसान भी नहीं बचा था कुछ भी नहीं बचा था तो उन्होंने बोला तो बहुत महंगा पड़ने वाला है एक बात सुनो ना इंसान ही नहीं रहेगा तो जिएगा कौन अगर कंट्री में कोई इंसान ही रहेगा तो सब मर जाएंगे यार कोई सेंस ही नहीं रहेगी इस बात की वैन टू अराइवल पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल इनफ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू इच अदर फुल फ्लेज वॉर इज अनलाइकली तो ठीक है वो भी पावरफुल है वो भी पावरफुल वो गिरेगा वो भी गेर देगा कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा तो फिर ठीक है अनलाइकली है करना ही नहीं चाहिए प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन नीदर साइड वुड वॉन्ट टू रिस प्रोवोकेशन मतलब किसी चीज़ को उकसाना ठीक है प्रोवोक कर रहे थे कि नो पोलिटिकल गेम्स वो जस्टिफाई इनको डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं होने वाला है कि अगर तुम एक दूसरे को मारने के लिए वो भी करो लॉजिक ऑफ डेटर लॉजिक ऑफ़ डेटरेंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर बैडली हार्म बोथ साइड बैडली हार्म हो जाएंगी तो जिस डेटरेंस मीन्स वर्ड डेटरेंस मीन्स आई टोल यू डेटरेंस मीन्स कि समथिंग दैट्स स्टॉपिंग यू समथिंग दैट डिसकेजिंग यू टू डू समथिंग तो ये लॉजिक ऑफ़ डेटरेंस मैं इस बात बताऊँ एग्जाम में डेटरेंस लिखा ना नंबर है इस, इस, इस वर्ड के नंबर है बताए डेटरेंस की स्पेलिंग भी याद कर लो अच्छा लगेगा एग्ज़ाम में लिखा होगे तो द कोल्ड वॉर इन स्पाइडरी रिमेन्न द कोल्ड आई टोल्ड यू कोल्ड इज दू नहीं क्योंकि हॉट और शूटिंग वॉर नहीं बनी वो ठीक है डेटर यही था डेटर फ्योर या फिर डिस्करेजिंग यू फ्राम समथिंग द टू सुपर पॉवर एंड कंट्रीज इन द रवल ब्लॉक्स वी एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रैशनल उन्होंने एक्चुअली दे बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल वेरी मच रिस्पॉन्सिबल वैन टू सुपर पावर्स एंड द ब्लॉक्स आर इन डेटरेंस रिलेशनशिप फाइटिंग वॉज मैसिवली डिस्ट्रक्टिव भाई उसी बात को दोबारा लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंट बींग रेस्ट्रेंड एंड एडिंग टू द रिस्क ऑफ अनादर वर्ल्ड वॉर इन देंस टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल भाई ना इंसान को बच्चा रहना चाहिए ना अच्छा ठीक है अब नाम की बात है नाम की बात हम अगले वीडियो में करेंगे आई एम नॉट टू स्टॉप यू गाइज एनी मो फॉर दिस बहुत बात हो चुकी है आज एन हम लोग दोबारा पढ़ेंगे मैंने अभी कंट्रीज़ के नाम बताए भी बताया था कि बेलग्रेड uh, में 1961 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू अपने कंट्री से थे और भी फोर रिप्रेजेंटेटिव्स थे और कंट्रीज से इंडिया का जो इंटरेस्ट था नाम में क्या इंटरेस्ट था उसने क्यों ज्वाइन किया था अपन ये भी पढ़ेंगे कि आई ई एन आई ई ओ क्या होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन डिटेल पढ़ेंगे अपन एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर भी पढ़ेंगे क्या सिर्फ यही थोड़ी था कि uh, Uh, और यूएसएसआर और उसकी लड़ाई थी बहुत सारी पता है बहुत बहुत जाने गई थी आई टेल यू कहाँ कहाँ हुआ था ये सब जस्ट फ्यू मोर मिनट्स गाइस आई एंड अप माय क्लास राइट नाउ देखो पता है कहां हुआ था कोरिया वॉर ईयर बताओगे कोरिया वॉर का बताओ 1950 टू 1953 में इसके बारे में बहुत बात करने वाली हूँ पता है अगली वीडियो में आई होप यू गाइस आर लाइकिंग आई होप यू गाइज आर ऑन द सेम wavelength. यू गेटिंग वट आई एम टीचिंग देखो कोरिया वॉर हुआ था वायतनाम में वॉर हुआ था कॉन्गो में जब कॉन्गो का है कांगो अफ्रीका में है एक डी भी है डी अलग होता है डेली रेल कॉरपोरेशन नहीं बोल रही हूँ मैं डी आर सी इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ठीक है वो अलग है कांगो वाइतनाम और अफगानिस्तान में भी फाइट हुआ था बर्लिन में भी हुआ था बहुत जान गई थी लोगों की बहुत 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 लोग मर गए थे ठीक है तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर टॉपिक में आ जाएंगे ठीक है और नाम के बारे में तो हम करेंगे एन के बारे में करेंगे तो यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून कीप वाचिंग माय वीडियो रहेगा ठीक है आज हम बात करेंगे आई मिस ऑन वन थिंग देखो प्रीवियस स्लाइड में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस मैंने मैंने बात करी है सब चीज़ों के बारे में यू एस ए यूएसए सार आई इवन शोड यू द मैप जो एन सी आर टी में है बट मैंने एक चीज़ के बारे में नहीं बात करी है विच इज़ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस आई गेट बैक हम आज बात करेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर एन आई ई ओ क्या है क्या वो सक्सेसफुल था अभी हम बात करेंगे चैलेंजेस टू बाय पोलरिटी बाय पोलैरिटी होती क्या है इंडिया एंड कोल्ड वॉर एंड वील जस्ट एंड दिस वील वाइंड दिस चैप्टर अप बहुत क्विकली ठीक है लेट्स मूव ऑन अच्छा ठीक है एक बार मैं रिव्यू दे रही हूँ अपन लास्ट स्लाइड में पढ़े थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की एक बार बस रिव्यू दे देती हूँ फास्ट तो हम मूव ऑन करते हैं यूएसए क्यूबा यूएसएसआर ठीक है तो अब क्या हुआ देखो क्यूबा तो है कम्युनिस्ट नेशन ये भी कम्युनिस्ट है ये बिलीव करता है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्टिक कंट्री थी ये तो तो इनके बीच में बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे हम लोगों ने पढ़ा था ना इसने यहाँ पे उसको लगता था कि यार यू एस ना इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरे पास ही कंट्री है क्यूबा और ये यहीं पे और ये कम्युनिस्ट है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा था कि ये ऐसे क्यों है मतलब तो यू एस यू एस को लगता था यू एस तो अब रशिया हो गया ठीक है उस टाइम पे 14 प्लस वन कंट्रीज थी मतलब 15 कंट्रीज थी तो उसको लगता था कि यार ये ये ना इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये कम्युनिस्ट नेशन है क्योंकि ये इससे चिड़ता है कि कम्युनिस्ट कैसे है मेरे पास होते हुए भी मेरे पास रहते हुए तो उसने क्या किया यूएसएसआर ने यहाँ पे ना कुछ मिसाइल्स खड़ी कर दी यहाँ पे एक अपना मिलिट्री बेस्ट टाइप खड़ा कर दिया कि अगर ये इस पर अटैक करेगा ना इससे पहले हम इस पर अटैक कर देंगे फिर यहाँ पे बहुत दिक्कतें आने लग गई कि उसने यहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन सॉर्ट ऑफ बना दी कि नहीं यहाँ पे जो भी मिसाइल अभी भी मिसाइल्स जा रही थी यहाँ पर कोई मिसाइल यहाँ जा नहीं सकेगी यहाँ नहीं तो हम भेज सकते हैं मिसाइल को तो हल्की हल्के क्या हुआ देखो उन लोग को ये लगा कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस आई टॉक्ट अबाउट कि यार डिसकरेज ही रहना चाहिए वॉर से क्या होगा ये भी पावरफुल है ये भी पावरफुल है ये इसके ऊपर फेंकेगा ये इसके ऊपर फेंकेगा दोनों की जान ही चली जाएगी लोग नहीं बचेंगे तो रहेगा क्या ये कंट्री का करेंगे क्या समझ लो तो बस यही था कि ऊपर मिसाइल क्राइसिस मैंने इसको बहुत एलेबोरेटेड वे में बताया अपने प्रीवियस वीडियो में यू शुड गो एंड चेक आउट वंस अच्छा ठीक है मूविंग ऑन आई मो नोट टॉक अबाउट यूरोप बिकेम एन एरना ऑफ कन्फ्लिक्ट अच्छा यूरोप कैसे कंफ्लिक था अच्छा एक मैं बताती हूँ देखो अब यूरोप पता है कैसे कन्फ्लिक्ट था क्या हुआ हमने एक मैप देखा था ना ठीक है मैप की लेफ्ट कंट्रीज जो कि रेड थी वो यूएसएस से बिलोंग वो यूएसए की साइड थी कुछ कंट्रीज राइट एंड साइड थी वो थी किसकी साइड यूएसएसआर की साइड कुछ कंट्रीज नाम के पार्ट बन गई थी क्योंकि वो किसी को भी फेवर नहीं करना चाहती थी वो चाहती थी कि हम लोग आइसोलेटेड नहीं रहे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे बट वो चाहती थी कि हम किसी कंट्री को फेवर ना करें बल्कि हम पीस स्टेबिलिटी रखें स्ट्रेंथ यूनिटी में होती है वो बोलते थे कि सबको यूनाइटेड रहना चाहिए ऐसे किसी को लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए वॉर नहीं करना चाहिए उनको ये लगता था ठीक है अब क्या हुआ बस एक बात सारी पता क्या है बात सारी ये है कि वेस्टर्न अलायंस पता है किन्हें बोलते थे जो कि यूएस को फेवर करती थी कंट्रीज उनको वेस्टर्न अलायंस बोलते थे वेस्टर्न अलायंस समझ रहे हो ना कुछ बहुत हवा नहीं है बहुत इजी है यार ठीक है और USSR वो कंट्रीज जो सपोर्ट करती थी उनको बोलते थे ईस्टर्न अलायंस इन्होंने एक इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वो करी थी विच वॉज कॉल्ड नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो फोर्स में आई थी 1955 में 1949 में माइवैड बैड 1955 में ईस्टर्न अलायंस आई थी ठीक है 1949 में क्या हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी थी जिसका नाम था नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको नाटो बोलते थे 1949 में आई थी 12 स्टेट्स थे ये पता क्या बिलीव करते थे ट्वेल्व स्टेट्स अगर एक स्टेट्स का मतलब स्टेट्स नहीं है जैसे एक स्टेट जैसे इंडिया की एक स्टेट है वैसे स्टेट नहीं स्टेट का मतलब यह कंट्री होता था ठीक है ट्वेल्व स्टेट्स अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल इनका ये बिलीफ था कि अगर तुमने एक जने पे अटैक कर दिया ना तो तुमने सब पे अटैक कर दिया बात सारी ये थी ठीक है ये ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीआरटी में ही है ठीक है ईस्टर्न अलायंस की बात करते हैं वार्सअप एक्ट 1955 में पता क्यों लाया गया कि अगर नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ हरकत करेगी या कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्कर करेगी ना कुछ ना कुछ ऐसी अगेंस्ट एक स्टेप लेगी ना तो ईस्टर्न अपने पास एक वार्स ऑफ एक्ट है ठीक है इट वॉज फॉर्म टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप इस वजह से यूरोप का क्योंकि यूरोप का बंटवारा हो गया था ना कुछ कंट्रीज यूएस का पार्ट बन रही थी यूएस को फेवर करने लग गई थी कुछ यूएसएसआर का तो देखा जाए तो यूरोप एक एरियन ऑफ कंफ्लिक्ट इसीलिए बना हुआ था ठीक है ये अब यू एस यूएस आर के बारे में बात कर चुके हैं ना एक पॉइंट ये ऐड कर लेना ईस्टर्न अलायंस वॉर्स ऑफ एक्ट ईयर्स पता होने चाहिए 1949 के छः साल बाद ही 1955 में ईस्टर्न लाइन्स ने वॉर्स ऑफ पैक निकाल दिया था ठीक है इट वॉज टू फॉर्म टू काउंटर नैटोज फोर्सेज इन यूरोप ठीक है आई यू गाइज गेटिंग यार कमेंट बॉक्स में बता देना तुम्हें कोई दिक्कत हो तो कोई क्वेरी हो तो अच्छा ठीक है अब लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक विच इज मेजर एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर अब देखो यूएस US, यूएसएसआर पहले तो अपन बात किए थे एक्सेस पार्स और एलाइड पार्स में भी बहुत फर्क था मतलब एलाइड पार्स मैंने बताया था ना कौन कौन सी कंट्रीज है बता दो जल्दी से फूबू याद है फ्रांस यूएसए ब्रिटेन यूएसएसआर एक्सेस पार्स में कौन कौन था जल्दी से बता दो जी आई जे जी फॉर जर्मनी इटली जापान ठीक है तो पहले तो उनके बीच में बहुत फाइट थी क्योंकि यूएस जीत गया था यूएस एस यू एस जो सारी एक कंट्री में फूपो ये जीत गए थे क्यों क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था 1945 जब हाँ 1945 में वॉर एंड हो गई थी ना जब नागा और हिरोशिमा में बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया था तो ना अब पता है क्या हुआ ऐसे ना बहुत सारे एरनाज ऑफ कोल्ड वॉर मतलब ऐसे देवर अदर ऑल एरियाज जहाँ पे कोल्ड वॉर हुई थी ठीक है वन कोरिया अब बताऊँ तो क्या हुआ था गाइज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ना मैं ही बता रही थी देखो मेजर एरिनस ऑफ कोल्ड वॉर हम कोरिया की बात करते हैं कोरिया 1950 टू 53 में क्या होता था इंडिया का इंडिया के जो उस टाइम पीएम थे ना जो आड़लाल नेहरू उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना ये कोरिया के वॉर में इन द ईयर 1950 टू 53 दिस कैन बी आस्क्ड इन अ वन वर्ड क्वेश्चन

देखो अब क्या होता था क्या हुआ वो कहता है ब्रिटेन कहता है एक मैं ले जाऊँगा यूएसए कहते हैं एक मैं ले जाऊँगा यूएसएसआर कहता है एक मैं ले लूंगा बर्लिन की एक हिस्सा और एक कहता था फ्रांस ले लेगा तो एक ना इनमें ये बर्लिन को ये बर्लिन उसकी कैपिटल भी बंटवारा करना चाहते थे इनकी अलग ही लड़ाई थी अब क्या हुआ तो ना इस बॉल को पता क्या बोलते थे जैसे बर्लिन वॉल बोलते थे इसके बारे में ना हम अगले चैप्टर में बात करेंगे और ज्यादा तो इस वर्ल्डन वॉल में क्या हुआ कि हाँ ये ऐसे डिमार्केशन की मुझे इसे ये चाहिए इसे ये चाहिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई इनका इसका ईयर पता क्या था नाइनटीन फिफ्टी एट टू सिक्सटी टू बस इतनी बात ही हो रखी है वैसे एन सी आर टी में इतना भी नहीं बताया मैंने तुम्हें थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दिया कि लड़ाई थी क्यों ठीक है कांगो की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज़ में हैमर्स जॉल ने सॉल्व करी थी पता कौन था उस टाइम का यू एन सेक्जेंट था इतनी लड़ाई हो गई थी कॉन्गो में कि ना यू को पार्टिसिपेट करना पड़ा और पता है कॉन्गो इज डिफरेंट फ्रॉम डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो तो अफ्रीका में है डी अलग कंट्री है अफगानिस्तान में बहुत जाने गई वायतनाम में भी बहुत लड़ाई हुई बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी ठीक है अब फिर क्या हुआ अब क्या हुआ देखो ये लोग सोचने लगे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं इससे होगा क्या मतलब इतनी लड़ाइयों से कोई फायदा तो है नहीं क्या हो रहा है लड़ाई करके कुछ फ़ायदा हो रहा है कुछ भी फायदा नहीं हो रहा तो अब क्या करते हैं कि इन लोगों ने सोचा कि यार थोड़ा दिमाग लगाते हैं लड़ाई वड़ाई करना बंद करते हैं तो ना नाइनटीन में देखो स्टार्टिंग नाइनटीन इन्होंने क्या किया नाइनटीन से दस साल में ही थ्री ट्रीटी साइन कर ली ठीक है थ्री मेन अग्रीमेंट साइन कर लिए इनका नाम पता क्या था लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी देखो बुक के बुक में इनके बारे में बात नहीं हो रखी है बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू ठीक है लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी थी एक न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी थी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी ठीक है वैसे तो एन सी की लास्ट में अगर जाके देखो तो बहुत सारी बात कर रखी है सॉल्ट वन सॉल्ट टू अगर देखा जाए तो सी आई डोंट थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट पहली बात तो बहुत क्लियरली मैंशनड है कि एक्सक्लूडिंग बॉक्सेज आएगा जो पेपर आएगा बट यू नेवर नो कभी भी आ सकता है कुछ भी बट टू अंडरस्टैंड वो कौन से ईयर में हुई थी 1953, 58 में हुआ था और उनका क्या मोटिव था यूएस मॉस्को यूएसएसआर किस किससे साइन किया था दैट डजेंट मेक एनी सेंस सिर्फ उसमें ईयर्स और कंट्रीज मैंशन किए हुए हैं यू कैन गो थ्रू इट वंस बट आई एम नॉट टू एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड बिकॉज दैट मेक्स नो सेंस टू मी ठीक है अच्छा ठीक है लिमिटेड टेस्ट वैंटिडी पता है क्या होता था कंट्रीज़ ना क्या करती थी कि फॉर uh, इंस्टेंस इंडिया की सबसे हाईएस्ट मिसाइल कौन सी है अग्नि अग्निफाइव है ना तो अग्नि जैसे अग्नि फाइव को ऐसे तो है नहीं कि एक बारी में ठीक है ये न्यूक्लियर वेपन होगा हमारा ऐसे तो हो नहीं सकता ना उसको ना बहुत बार टेस्ट करते थे तीन टेस्ट हो गए चार टेस्ट हो गए ये ट्राई करने के लिए कि अच्छा ऐसा कुछ है भी अच्छी हमारी न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुल है कभी हमें यूज़ करना पड़ा तो ये हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी बस सारी बात यहीं तक थी तो बट ना यार ये ये जो था ना एग्रीमेंट ये बोलता था कि यार एक ना एक लिमिट भी होनी चाहिए इस चीज़ की कि तुम कितनी बार फायर कर रहे हो एयर में मतलब कितनी बार तुम टेस्ट कर रहे हो एनवायरमेंटल नुकसान भी है और साउंड पोल्यूशन इतना सब उनको नुकसान हो सकता है बट ऐसे तुम लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं जब मर्जी उठाया न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर दिया तो लिमिटेड टेस्ट टेस्टिटी ये कहती थी चलो ठीक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है अच्छा कोई बता सकता है प्रोलिफरेशन क्या होता है होता है मीन्स शेयरिंग शेयरिंग इन द सेंस की एडिंग ऑन टू वॉट वन ऑलरेडी किसी चीज के बढ़ते जाना जुड़ते जाना किसी चीज का फिर उसका बढ़ते जाना ठीक है नॉन प्रोलिफरेशन यूज हो रखा है इसका मतलब ये है कि नॉन शेयरिंग अब एक बात सुनो ना ये पता है क्यों ऐसे हुआ था ब, बड़ा अच्छा मेरी एक स्टोरी बताती हूँ तुम लोग को याद रहेगी ऐसे क्या हुआ था देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ 1971 में लड़ाई थी ना पाकिस्तान से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी इंडिया और पाकिस्तान की तो पता क्या हुआ अब देखो जैसे ये यार एक तो पहले हंसना मत मेरी ड्राइंग पे ठीक है इससे ज़्यादा अच्छी मैं ड्राइंग कर नहीं सकती शायद से ठीक है जैसे ये इंडिया था ना ये रहा पाकिस्तान यहाँ पे ये पाकिस्तान है पाकिस्तान यहाँ यूएस से था यूएस से था ये फिर यहाँ पे कहीं चाइना था पता क्या होता था जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है किसी बात पे ठीक है तो यार पता तो 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 है क्या यू के पास यू एस तो इतना पावरफुल कंट्री है डेवलप नेशन है यू पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीड नॉट वरी वी आर देयर टू बैक यू अप हम लोग तुम्हें देंगे प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स चाइना यूएसए कह रहा है चाइना को अगर तूने पाकिस्तान की हेल्प नहीं करी ना मैं तेरे ऊपर वार कर दूंगा मैं तेरी कंट्री में आके लड़ना शुरू कर दूंगा तो अल्टीमेटली चाइना को भी पाकिस्तान की हेल्प करनी पड़ी और पाकिस्तान तो इंडिया के अगेंस्ट आई तो देख लो इंडिया के ऊपर तीन साइड से वार हो रहा है एक साइड से नहीं सिर्फ वो पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा वो तीन जगह से लड़ाई हो रही है अब देख लो तो पता ये ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक तो फिर इस, इस केस में या फिर सरेंडर करो या फिर नेगोसिएशन ही हुए कि यू ने बोला चलो ठीक है नहीं लड़ाई होगी वापस आया पाकिस्तान बैक ऑफ कर गया चाइना बैक ऑफ कर गया कि चलो ठीक है हल्के हल्के चलो नैगोसिएशन हो गए बात संभल गई बट ये तो गलत है ना पाकिस्तान खुद तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है ना ठीक है अपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है ठीक है वो बात चलो वो बात तो अलग है पॉपुलेशन के टर्म्स में भी वैसे भी डेवलपमेंट में इंडिया आज के डेट में हाईएस्ट ग्रोथ पे है चलो अब कोरोना वायरस तो अलग आ गया है बट वैसे इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रखी थी बेस भी बहुत बड़ा था ऑल्सो बट ये तो कोई सेंस नहीं बनाता ना कि यूएस एस चाइना वगैरह तो ये ट्रीटी ना सारी उस बारे में ही थी कि यार जो ये न्यूक्लियर नौ, नॉन प्रोलिफ्रेशन मतलब ऐसे शेयर नहीं कर सकते तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स किसी और कंट्री के साथ ऐसे तो फिर जो थोड़ी वीकर कंट्री है वो तो नुकसान में है समझ रहे हो ये बात ठीक है एंटी और इंडिया जैसी कंट्री जो किसी को फेवर ही नहीं करती थी तो उसको कौन फेवर करेगा इंडिया जब उसको सिर्फ ये था कि मैं वॉर ना कराऊँ बट वो किसी को फेवर तो नहीं करती थी पढ़ेंगे हम आगे उसमें यूएसएसआर के साथ ट्वेंटी ईयर्स और फ्रेंडशिप साइन भी कर दिया था अच्छा ठीक है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बता क्या देखो जैसे ये दो कंट्री है अपने दो सुपर पावर्स रहते हैं सुपर ब्लॉक्स जो बोलते हैं इन्हें पूरा चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है देखो यहाँ पे क्या हुआ इसने एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ा इसने एक और न्यूक्लियर वेपन छोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ न्यूट्रलाइज हो गया ठीक sort of है ये सॉर्ट ऑफ डिफेंस है यहाँ पे आया इसने भी छोड़ा तो ये डिफेंस के तौर में ये उड़ गया मतलब हुआ नहीं तो ये करना अलाउड नहीं है ऐसे तुम इतने आसानी से ये नहीं कि तुम इसको भी न्यूक्लियर वेपन को निकाल सकते हो और यहाँ से भी छोड़ सकते हो इतना फ्रीक्वेंट तुम ये काम नहीं कर सकते तो ये ट्रीटी इसके बारे में बात करती थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आई वाइज क्लियर अच्छा ठीक है मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट एन आई यो बुक में इसके बारे में बात की हुई है एनसीआरटी में इफ अब एन आई यो है क्या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ठीक है उसने उन्होंने क्या बोला यार ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है नहीं तो कंट्री क्या वो फ्री होने के मतलब उसका कोई फायदा नहीं है एक सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ऐसे कि यार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है बस फ्री हो गए हो आजा इंडिया यूगोस्लाविया गाना वगैरह ये ये ना पता ये ना बहुत बड़ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने तो थी नहीं उस टाइम पे अब तो हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं बट उस टाइम पे ना ये छोटी कंट्रीज ही मानी जाती थी जो सुपर पार्स थी वो तो सिर्फ यूएस युएस ही यूएसए तारती थी तो उन्होंने सोचा यार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है तभी हम लोग फ्री माने जाएंगे अब इनको पता ही कहते थे जो नाम कंट्रीज़ है ना अच्छा नाम कंट्रीज़ की वो बताओ कौन कौन सी कंट्रीज हैं ना इंडिया घाना इजिप्ट यूगोस्लाविया इंडोनेशिया ठीक है ये फाइव कंट्रीज है तो इनको ना एल बोला जाता था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन्हें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता था और ये लाइन लिखी है ना ये लिखाना एग्जाम में नंबर है इसके विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री कांट बी फुल्ली फ्री लिखाना इसे लीस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज समझ रहे हो ना क्या बता रही हूँ ठीक है एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिव डैम एन का मतलब पता है क्या था क्या करना चाहता था अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसा पैसा आएगा तो कंट्री ग्रो करेगी ना पैसा ही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है तो कैसे ग्रो करेगी और लिव देम आउट ऑफ पॉवर्टी मैंने बताया बहुत गरीब नेशंस थे कुछ थे नहीं उस टाइम पे कुछ भी नहीं था इनके पास तो लिव देम आउट ऑफ पॉवर्टी अमरदा तो क्या हुआ देखो ये यूरोप है यूरोप ने क्या कहा इंडिया को जैसे इंडिया ही रहा इंडिया को कहा यूरोप तो बोन ऑफ कंटेंशन था मैंने बताया ना बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स मतलब टॉक uh, ऑफ मतलब टॉक ऑफ द टाउन समझ लो कि बिकॉज वो इतना डिस्प्यूटेड था वेस्टर्न कोई और ले जा रहा है ईस्टर्न कोई और ले जा रहा है तो यार सब कुछ ना जो सारी दिक्कत थी ना वो यूरोप को लेकर थी तो यूरोप पता क्या कहता था कहता था इंडिया को देखो इनको जरूरत थी स्पाइसेस एंड यूरोप पता क्या कहते हैं इंडिया को देखो यूरोप कहता है कि यार तुम ना स्पाइसेस बनाओ हम तुमसे पर्ल्स खरीदेंगे तो हम तुमसे प्रेशस स्टोन्स खरीदेंगे टोटो शेल्स लेंगे स्पाइसेस जैसे सिनेमॉान क्लोव्स ये सब चीज़ें ना हम तुमसे लेंगे हम ना तुमसे ट्रेड करेंगे ये बोलते थे हम तुमसे ट्रेड करेंगे तुम ट्रेड करेंगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा ना तो तुम डेवलप तो बन सकते हो तुम देखो विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री कान भी ट्रूली फ्री विच मींस कि तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा पावरफुल कंट्रीज़ के उससे है ना है नहीं कि पावरफुल कंट्री जो यू US एस से यू एस एस से आर थी इनके ऊपर तुम कब तक डिपेंडेंट रहोगे तुम्हें अपने आप ही तो सेल्फ डिपेंडेंस भी तो चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो चाहिए अपनी कंट्री का तो तुम फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए भी चाहिए हो कब तक तुम ये पावरफुल जो कंट्रीज है कॉलोनाइज पार पार में रहोगे तुम लोग समझ रहो तो ये यूरोप कह रहे थे हम तुम से ना ट्रेड करेंगे हम तुम्हें पैसे देंगे तुम ये सब बनाओ कहीं ना कहीं यार यूरोप सेल्फिश भी था कि उसको भी ये सब चीज़ें की नीड थी वो चाहता था कि इंडिया और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इसमें क्यों ना प्रोडक्शन हो और हमारे तक जाए ठीक है तो ये सारी बात यही थी तो मैं ये बता रही थी कि ये लोग ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया था ना तो उसका मेन पर्पज़ यही था कि यार इन कंट्रीज़ को आउट ऑफ ओवर्टी निकालो समझ लो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल पावर वही मैं बता रही थी जो रिचर कंट्रीज़ और जो कॉलोनियल पावर ये है कॉलोनियल पार्क से कब तक कब तक तुम ऐसे रहोगे कभी ना कभी तो तुम लोग ग्रो करोगे इनसे कब तक लीस डेवलप कंट्रीज बोलते थे ऐसा थका हुआ नाम दिया हुआ था लीज डेवलप कंट्रीज ठीक है मूविंग ऑन आई एम नो टेल यू समथिंग एल्स अच्छा ठीक है अब क्या था एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन दर नाइनटीन सेवेंटी टू कॉन्फ्रेंस नहीं थी अंकटैड बोलते थे अंकटैड इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये आना चाहिए पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंग टै ठीक है 1972 में ना इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली टू वार्ड द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट अब मैंने जो बताया ना क्यों न्यू ट्रेड पॉलिसी यही थी ये याद रखना 1972 ठीक है उसमें नेशनल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यही था कि उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली ना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी चाहते थे कि यार जो ये कंट्रीज वीकर है ना इन्हें काम दो और इनको पैसे तो ठीक है वो भी अब डेवलप करेंगे कब तक ये टू सुपर पावर्स ही रहने वाली है देखो गिव एल डी सी इज कंट्रोल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो ये नेचुरल रिसोर्सेज थी ना ये सब पता है कौन ले जाता था सब पावरफुल कंट्रीज क्योंकि मतलब अगर यार मेरी कंट्री अगर मेरी कंट्री में कोई वो है कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज है सब बाहर जो इतनी पावरफुल कंट्रीज है वो लेके जा रही है भाई आप उन्हें अपना कंट्रोल दे दो एल को तभी तो वो ग्रो करेंगी नहीं तो वो ऐसी रह जाएंगी ऑप्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स भाई वेस्टर्न मार्केट्स में जो ये कंट्रीज थी यूएस यूएस अगर इनको इनको हम अपनी मार्केट दे देंगे ना ऑप्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट का मतलब पता है क्या है कि वो उस कंट्री में जाएगा उसकी मार्केट ऑप्टेन करना मतलब वहाँ सेल कर पाएगा तो ऑफ कोर्स सेल कर पाएगा तो वहाँ से वो पैसे भी तो कमाएगा ना ठीक है समझ रहे हो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ़ टेक्नोलॉजी जो वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी आ रही है ऑफ कोर्स तुम वहाँ जाके ऑन करो तुम्हारे रिलेशनस भी इंप्रूव होंगे तो अल्टीमेटली तुम कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बेटर होएगी प्रोवाइड ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल एंड इकॉनमिक इंस्टीट्यूशन ये पता है कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं यू के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इन सब में अगर एक बात सुनो ना अगर कंट्रीज कमा रही हैं थोड़ा सा बेटर रिलेशंस भी होंगे कुछ टाइम बाद यूएन भी रिकगनाइज़ करेगी ना तो ये लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे जुड़ेंगे भी इनका कहने का मतलब सारा ये था ठीक है एंड टू योर सरप्राइज एनी आई यू अपोज हुआ था डेवलप कंट्रीज से अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई डेवलप कंट्रीज़ के पास इतना पैसा है और वो कहे यार तुम सामान ले लो हमें पैसा दे दो या नैचुरल रिसोर्सेज अब तुम्हारे हैं हमारे नहीं हैं यार उनको तो नुकसान ही है ना तो अल्टीमेटली वो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही वो लोग तो डिक्लाइन करेंगे कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आप समझ रहे हो ना मेरी बात देखो मैंने आई हैविन फास्ट आई गेस कि मैंने एकदम से एक्सप्लेन कर दिया दिस इज़ वेरी ओबियस मैंने सारा समझाया कि यूरोप ने क्या बोला इंडिया को उनके रिलेशंस क्या थे उनको क्लोव्स ऑटाइस शेल्स चाहिए थे और उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी क्लोव्स चाहिए थे और सिनेमेंट चाहिए था उन्हें पर्ल्स चाहिए थे प्रेशस स्टोन्स चाहिए थे अभी हमने एक्सप्लेन किया है ना मैंने उसको तो बस उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट डन बहुत अपोज़ किया गया था 1972 याद रखना अंकटैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आया था टू अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ठीक है ये सब चीज़ें प्रपोज की गई थी मूविंग ऑन आई टेल यू द चैलेंजेस टू बायपोलरिटी बाय मतलब क्या मतलब होता है बाय मतलब होता है टू ठीक है बायपोलैरिटी क्या था देखो कि दो ही पोल्स हैं उस टाइम पे ना दो ही पोल्स होते थे एक नॉर्थ होता था और एक साउथ होता था विच मीन्स यू एस और यू एस एस आर भाई उसने पता क्या बोला यू एस एस आर तो उसने बोला कि इन कंट्रीज बस ये दो ही होते थे तो इंडिया घाना ये जो जो, जो जो लीडर्स थे ना इन्होंने पता क्या बोला ऐसे नहीं चलेगा काम भाई हमारा तो एक और पोल होना चाहिए नाम करके नॉन अलाइन मूवमेंट बेलीग्रेट नाइनटीन सिक्सटी वन की कैपिटल बाकू अभी रिसेंट समिट हुआ है ट्वेंटी में ये सब पता होना चाहिए तुम्हें यार ये नाम ना पता क्या हुआ इन्होंने बोला कि नहीं एक और वो होना चाहिए ये बायोपोलैरिटी कुछ नहीं चलेगी नाम भी होना चाहिए अच्छा ये नाम के लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू हमें सबको पता है यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रॉस्टिटो फिर इजिप्ट से गमल एब नासर इंडोनेशिया से सुकरण था क्वामिन क्रूमा इनको यार पता ही याद करना पड़ेगा आई नो दीज आर लिटिल टफ़ नेम्स बट यू हैव टू गो थ्रू दीज वंस अब नाम बना क्यों मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा ना कि पहले बता क्या जो इंडिया यूगोस्लाविया और घाना नहीं थी ना फ्रेंड्स थे ये दोनों इनको सपोर्ट करते थे तो भाई ठीक है अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ये इन पांचों कंट्रीज ने मिलके ना वो कर दिया कि चलो ठीक है हम आपस में मिलके वो करते हैं सॉरी फॉर दिस मेस अच्छा तुम समझ रहे हो ना मतलब कि ये फाइव कंट्रीज ने बोला कि हाँ ठीक है अब हम क्या करेंगे uh, हम लोग मिलकर एक नाम बनाते हैं नाम इज नाम नॉन लाइन मोवमेंट अब रीजन फॉर फॉर्मेशन क्या थे कोऑपरेशन थी ऑफकोर्स थी कोऑपरेशन नहीं होती बनता भी ना फिर क्या हुआ ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन वाइडनिंग देखो इन कंट्री ये कंट्रीज़ ना बेचारी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं थी ये छोटी छोटी कंट्रीज थी अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी लोग कहते थे यार अभी तो हमें इंडिपेंडेंस मिली अब हम फिर लड़ाइयाँ करें तो लड़ाई का फायदा क्या है कुछ तो नहीं हो रहा पैसा तो आ तो नहीं रहा पैसा जा ही रहा है नुकसान हो रहा है लोग मर रहे हैं फायदा क्या है लड़ाई करने का इनका पॉइंट सारा ये था तो उन्होंने क्या किया इतनी कोल्ड वॉर टेंशन थी तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो साइड हो जाएंगे भाई हम तो किसी को फेवर नहीं करने वाले आगे जाके पढ़ेंगे यूएसएसआर के साथ ट्वेंटी ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था जब फंस गए थे चलो ये सब ठीक है बट त्री, ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी बट इन्होंने ना बोला कि हम किसी को फेवर नहीं करने वाले कोल्ड वॉर टेंशन और एलिना सब ने पढ़ा ना अफग़ानिस्तान में इतनी जाने गई वायतनाम में कॉन्गो में तो यूएन सेक्रेटरी को डील करना पड़ा साथ में उनके कि लड़ाई मत करो जवाहरलाल नेहरू ने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई बचाई थी बर्लिन वॉल में इतनी लड़ाई रही मतलब उनको मैंने बता, अभी एक्सप्लेन किया आपको पहले तो यार इतनी सब लड़ाई हुई साथ ना उसने कहा कि यार दिस इज़ नॉट डन ये सब ठीक नहीं है तो फिर ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकॉलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज़ इन टू द नेशनल एना इसका मतलब पता क्या फॉर इंस्टेंस ये अफ्रीका है instance, ना इसकी कंट्रीज अभी अभी आज़ाद हुई थी ना कुछ ना पता यूएस को वो कर रही थी और कुछ तो यूएसएसआर को फेवर कर रही थी इनका कहना था भाई ये कोई फायदा नहीं है इनको वेवर करने का यू आर ओनली एडिंग ऑन टू द फाइट तुम और लड़ाई करा रहे हो और कुछ नहीं होने वाला क्या फ़ायदा हो रहा है इनफैक्ट तुम ज्वाइन करो ना नाम मैम ज्वाइन करके कम से कम तुम ये तो रहोगे कि यार यू जस्ट हेल्पिंग इन पीस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इन यूनिटी यही तो ये लोग सब इनकी प्रोफिस थी ये सब ये लोग ये ही कहते थे इनके ये क्या इनका कहना यही तो था कि यार किसी के साथ मत दो बट ये है कि अच्छे से रहो और कन्फ्लिक्ट और टेंशंस को रिड्यूस करो बढ़ावा मत दो इनको देखो बाई नाइनटीन सिक्सटी वर सिक्सटीन न्यू अफ्रीकन मेम्बर्स इन द यू एन समझ रहे हो ना बस ये सारे रीजन ऑफ फॉर्मेशन थे इनको अच्छे से लर्न करना अच्छी मतलब अच्छे लाइन आए ये आ सकते हैं क्वेश्चन आई युगा इज क्लियर एम आई टू फास्ट टू स्लो बता दो एक बार मूविंग ऑन आई टेल यू देखो फर्स्ट समिट में नाइनटीन सिक्सटी वन में हुआ था बेलग्रेड अच्छा ठीक है बेलग्रेड पता है क्या था बेलग्रेड ना अच्छा चलो ठीक है मैप आएगा ना तो मैप में समझाऊंगी अभी नहीं समझाती हूँ कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बेलग्रेड में हुआ था विद ट्वेंटी फाइव मेबर्स थे ठीक है ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स स्टेट अभी हम देखते हैं कौन कौन थे लास्ट एंड रिसेंट सबमिट ट्वेंटी नाइन्टीन में हुआ था अजरबैजान में वन ट्वेंटी मेम्बर्स थे सेवनटीन ऑब्जर्वर नेशनस ऑब्जर्वर नेशनस पता है कौन से होते हैं जो लोग ना एज़ गेस्ट इन्वाइट हुए होते हैं जो उन कंट्रीज़ के फ्रेंड्स होते हैं ना बट ऐसा नहीं होता कि वो वो जो ऑब्जर्वर नेशंस होते हैं ना वो लोग बस आके समिट अटेंड करते हैं सुनते हैं सारी बात बट दे आर नॉट एक्चुअल मेंबर्स टू दैट पार्टी बस सिर्फ फ़र्क ऑब्जर्वर नेशन और एक मेम्बर में यही होता है अच्छा टॉकिंग अबाउट आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी इनमें ना पता क्वेश्चन आ सकता है वॉट इज आइसोलेशनिज्म और ना एक बार यार स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना आइसोलेशनिज्म इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तुम लोग सही वो लिखो स्पेलिंग लिखो नहीं तो ना बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना एक्सपेलियंस का इन केस आई गो रॉन्ग एक बार जस्ट क्रॉस चेक वैसे होगा तो नहीं रॉन्ग ठीक है आइसोलेशन इज द मीन्स दैट यू आर स्टेइंग अलूफ मतलब अलोन अकेले फ्रॉम वॉट इज हैपनिंग ऐसा तो नहीं था ये कंट्रीज तो रिड्यूस करा रही थी उनका कंफ्लिक ऐसा तो नहीं था कि वो अकेले रहना चाहती थी जो मर्ज़ी करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा तो नहीं था ना, ना ऐसे न्यूट्रलिटी मतलब ये होता है न्यूट्रलिटी मतलब वो न्यूट्रल नहीं थी हो रही है लड़ाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं हुई लड़ाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं था बल्कि वो तो पीस स्टेबिलिटी वगैरह लाना चाहती थी मैं तो बता चुकी हूँ ये बात बहुत बार न्यूट्रलिटी मतलब उनका मतलब था कि नॉन अलाइंड होना से नॉन अलाइंट होना इज़ नॉट बींग न्यूट्रल इज़ नॉट बींग न्यूट्रल इनफैक्ट वो लोग कह रहे थे ये बात इज नॉट बीइंग न्यूट्रल वो लोग तो कहते थे यार ये बात कि तुम्हें बल्कि ये सब चीज़ें रिड्यूस करनी चाहिए इन सब चीज़ों को कोई फायदा ही नहीं है लड़ाई वड़ाई करके अच्छा जवाहरलाल नेहरू ने पता क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ही proposed इन द ग्रेट फेथ दैट genuine कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग nations। यार yeah, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट दिस इन एग्जाम इन केस if इट कम्स बिकॉज इन्हीं के नंबर है पता है कि ये सब दीज आर ऑल एन सी आर टी लाइन्स इफ़ यू डोंट आई कैन ऑल्सो मेक अ पी डी एफ एंड जस्ट टीच फ्राम दैट पी डी एफ वो लगा कर जो बिल्कुल एन सी आर टी की लाइन्स बट दैट मेक्स नो सेंस टू मी बिकॉज ये यार ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जेनुइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस जवाहरलाल नेहरू चाहते थे सब मिलकर साथ रहे यूनिटी से रहे क्योंकि स्ट्रेंथ उसी में ही है ऐसे लड़ाई लड़ाई करने से जान बन जाएगी कुछ नहीं होने वाला फिर तो और एक और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि ना यार जो अलूफ तो हुआ था 1787 में यूएस हुआ था फ्रॉम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से उसे बोलते हैं न्यूट्रलिटी इसने पता है पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इस चीज में उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो रहा है होता रहा नहीं हो रहा नहीं होता है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रैलिटी ये था आइसोलेशनिज्म जो ये लोग फाइव कंट्रीज़ कर रहे थे ये आइसोलेशनिज्म नहीं था ठीक है अच्छा ठीक है मैं बता रही थी ना ये कंट्रीज़ की बात बता रही थी 1961 में हुआ था ये सब तो अवन बढ़ चुके हैं देखो फर्स्ट सबमिट हुआ फर्स्ट सबमिट हुआ था ना तो इसमें ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स थे ठीक है ये सब देख लो इंडिया श्रीलंका ये सब था मैं आ, स्टार्टिंग में बताया था बेलग्रेड किसकी कैपिटल है बेलग्रेड अब सर्बिया की कैपिटल है उस टाइम पे पता है बेलग्रेड किसकी कैपिटल थी उस टाइम पे ना बेलग्रेड यूगोस्लाविया की कैपिटल थी तो यूगोस्लाविया में इस्टेब्लिश हुआ था ये और यूगोस्लाविया की बात करी जाए ना अब तो मैंने बताया था यूगोस्लाविया तो डिसंटीग्रेट हो गया तो अब बेलग्रेड कैपिटल सर्बिया की है उस टाइम पे ही यूगोस्लाविया की कैपिटल थी एक बार देखो यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ट्वेल्थ गो आउट यू शुड नो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें तो होना चाहिए पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ है एक बार जस्ट गो थ्रू दिस मंथ इट्स वेरी इजी आई टीच विद वो लाइंस पढ़ा दो बट यार ये सब चीज़ें तो तुम्हें पता होनी चाहिए ये सब देखो इंडिया है ये सोमालिया इथोपिया ये सब वर्ल्ड मैप पर है कहाँ क्यूबा अपन पढ़े थे ये अमेरिका है तो ये सब चीज़ें तो तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छा ठीक है मूविंग ऑन इंडिया एंड द कोल्ड वॉर अब ना कुछ बातें फेवर में भी थी कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे एक बार इनको गो थ्रू करते हैं फेवर में क्या बात थी इंडिया को टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टैंस दैट टर्न इन टू इट्स फेवर ये लाइन्स ना ऐसे के ऐसे ही लिखनी चाहिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका मतलब पता क्या था इंडिया को टे... अब एक बात सुनो अगर इंडिया यूएस का साइड ले रहा है या फर इंस्टेंस इंडिया यू एस एस साइड ले रहा है तो फ़ायदा क्या है तो जो यूएस कह रहा है यस सर यस सर ऐसे रहना पड़ेगा ना तो उसका कोई फायदा नहीं है वो कह रहा था कि यार मैं अपने डिसीजन लूंगा आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट अब मैं मेरे को इंडिपेंडेंस मिल गई है अब अब मैं अपने डिसीजन लेना चाहता हूँ मैं किसी को फेवर नहीं करना चाहता ये उसका अच्छा स्टांस था वो उसको कोई भी डिसीजन लेना हो तो दो 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 दो। दो। ही डजेंट द सुपर पावर्स तो बैलेंस एंड नो वन टेल्टू टेक फॉर अब उसका याद देखो यू एस यहाँ क्या था कभी ऐसे लगे इंडिया जैसे यहाँ थे ना उसको कभी इंडिया को लगे यू एस उस पर वार कर रहा है तो यू एस एस आगे पास चले जाओ यू हेल्प कर देता था कभी उसको लगे कि यू वार करने वाला यू एस के पास चले जाओ तो ये इसको हेल्प कर देता तो वो ना एक कोई कोई फॉर ग्रांटेडली नहीं ले पाया एक टिल सॉर्ट ऑफ मेंटेन था एक चीज़ कि हाँ ठीक है दोनों साइड से हेल्प है न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं थे वो लोग बट ये नहीं था कि किसी को फेवर कर रहे हैं आप समझ हो तो बस ये सारी बात थी और एक क्रिटिसिज्म भी थे कुछ देखो इट वाज कॉल्ड अनप्रिंसिपल अफकोर्स लोग कहते थे दिस इज नॉट डन आई मीन वाई डू यू डू दिस लाइक वाई आर्ट यू फेवरिंग वन कंट्री यू यू आर अनप्रिंसिपल बिकॉज तुम लोग किसी के साइड नहीं हो तुम दोगले बन गए हो यहाँ के भी वहाँ के भी तो इस इस चीज़ को अनप्रिंसिपल भी कहा गया है मैंने बताया ना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन ऑगस्ट जब क्या हुआ था मैंने अभी नाइनटीन सेवेंटी वन की बात करी थी ना तो पता क्या वो नाइनटीन सेवेंटी वन के नेगोसिएशन कैसे हुए थे मतलब ये सब चीज़ें कैसे वाइंड अप हुई थी यूएसएसआर ने थ्रेटन कर दिया था कि अगर इंडिया पे वार वार हुआ तो हम भी वॉर कर सकते हैं समझ रहे हो क्योंकि यू बहुत पावरफुल था इंडिया की हेल्प करी थी उसने उस टाइम पर तो क्या हुआ सिंस उसकी हेल्प करी थी तो इंडिया ने क्या किया 1971 में 20 इयर्स यू के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर दी बहुत बड़ी बात होती है जब तुम कह रहे हो हम लोग ना इसकी साइड है ना उसकी साइड है एक जगह तुमने 20 इयर्स ऑफ ट्रीटी भी साइन कर दी है तो बस सारी बात ये थी तो ये सब क्रिटिसिजम्स थे इसके अब देखो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल एंड ऑल्सो आई हैव मेड ऑल द क्विजेज़ वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन फोर मार्क क्वेश्चन सब लोग सब चीज़ अवेलेबल हैं इफ़ यू डाउनलोड द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट गो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है एनी लवस एनी थिंग यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स डू राइट इन एनी सजेश्स आई रिप्लाई विद इन ट्वेल्व टू फोर्टीन आवर्स ऑफ वर्किंग डेज ओके थैंक यू बाई